नमस्कार, मैं हूं दीपक डोभाल। स्वागत है आपका हमारे 8 बजे के पावर पैक बुलेटिन में। नाम है बुलेट बुलेटिन। देश दुनिया की हर बड़ी खबर फटाफट अंदाज में, अब कोई खबर नहीं छूटेगी। चलिए शुरू करते हैं राजनीति की 10 बड़ी खबरों से। पॉलिटिक्स टॉप 10। राजनीति का अपराधीकरण रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2018 के आदेश में सोशल मीडिया शब्द जोड़ दिया है। अब राजनीतिक दलों को बताना होगा कि उन्होंने दागी उम्मीदवारों को ही क्यों चुना। दागी उम्मीदवारों के आपराधिक केस की जानकारी सोशल मीडिया पर देनी होगी। दागी उम्मीदवारों की जानकारी फेसबुक और ट्विटर पर भी देनी होगी। राजनीतिक दल 48 घंटे के अंदर अपने दागी उम्मीदवार की जानकारी देंगे। जानकारी नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट को जानकारी देना चुनाव आयोग का काम होगा। अब पॉलिटिकल पार्टी अगर किसी दागी आदमी को टिकट देती है तो उनको उसका कारण बताना पड़ेगा कि क्या उस क्षेत्र में, उस लोकसभा के क्षेत्र में या उस विधानसभा के क्षेत्र में उनको एक भी आदमी साफ सुथरा नहीं मिला, एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जिसके खिलाफ कोई अपराध ना हो। 48 घंटे के अंदर सभी पॉलिटिकल पार्टियों को अपने फेसबुक और ट्विटर पे डालना पड़ेगा। 48 घंटे के अंदर उस कैंडिडेट का पूरा ब्यौरा उनको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में भी पब्लिश करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले का अब विपक्षी पार्टियों ने समर्थन किया है, साथ ही बीजेपी को घेर लिया है। कांग्रेस नेता जयवीर शेरगिल ने कहा कि बीजेपी में ही सबसे ज्यादा दागी नेता हैं। वहीं सीपीएम ने भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। लोकतंत्र के लिए बहुत ही एक अच्छा निर्णय है, पारदर्शिता बनी रहे, पर भाजपा जिस दिन ये सूचना पब्लिश कर देगी तो जनता को पता लग जाएगा कि भाजपा का जो अखाड़ा है एक गुनेगारों का, एक क्रिमिनल्स का एक अड्डा है, क्योंकि आज देश में सबसे ज्यादा क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले विधायक एमपी भाजपा के हैं। देखिएगा, चुनौती देता हूं, सारे दल तो पब्लिश कर देंगे पर भाजपा उम्मीद करता हूं इसमें भी डेटा फिजिंग और लीपापोती नहीं करेगी और सत्य जनता के सामने रखेगी। इस विषय का मैं स्वागत करता हूं और ये सबसे बड़ा प्रहार आज बीजेपी को लगेगा, क्योंकि जो लोग रेप करते हैं वो उनको मंत्री बना रहे हैं, जो लोग मॉब लिंचिंग करते हैं उसको वो नेता बना रहे हैं, जो लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज के साथ साथ करप्ट एक्टिविटीज में हैं उसको एक पार्टी से दूसरे पार्टी में ले आकर के केंद्रीय सुरक्षा दे रहे हैं। सुजन और सज्जन के बजाय दुर्जन का भरमार पड़ गया है और इसको और भी बढ़ावा दिया जा रहा है। 16 फरवरी को दिल्ली के रामलीला मैदान में केजरीवाल सरकार का शपथ ग्रहण होगा। इसके लिए रामलीला मैदान में तैयारियां जोरों पर हैं। आम आदमी पार्टी शपथ को भव्य बनाने की कोशिश में है। हालांकि समारोह में दूसरे दलों के नेताओं को नहीं बुलाया जा रहा है। पार्टी नेता गोपाल राय से जी मीडिया ने खास बातचीत की तो उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को शपथ ग्रहण में बुलाने पर कोई बातचीत नहीं हुई है। रामलीला मैदान में होगा और पूरे दिल्ली की जनता को हम लोगों ने इन्वाइट किया है और जनता के साथ भव्य, पिछली बार से भी भव्य समारोह हुआ। पिछली बार शपथ ग्रहण समारोह का जो मॉडल था हमारा, उसी मॉडल पे इस बार भी करेंगे। दिल्ली की जनता को इनवाइट कर रहे हैं, दिल्ली के नव निर्वाचित जितने विधायक हैं उनको इनवाइट करेंगे, सांसदों को इनवाइट करेंगे और जो दिल्ली की पार्टियां हैं उनको भी हम इनवाइट करेंगे। और इसके साथ से बाहर की जहाँ तक बात है, अभी हम लोग पिछली बार की तरह जनता को फोकस करना चाहते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली चुनाव परिणामों में कांग्रेस की हार पर अपनी राय रखी है। सिंधिया ने पार्टी के खराब प्रदर्शन को निराशाजनक बताया। पत्रकारों ने सवालों का जवाब देते हुए सिंधिया ने कहा कि दिल्ली के चुनाव परिणाम कांग्रेस के लिए बहुत निराशाजनक आए। नई सोच, नई विचारधारा और नई कार्यप्रणाली की कांग्रेस को सख्त जरूरत है। बहुत ही निराशाजनक और नए सोच, नई विचारधारा और नई कार्य प्रणाली की सख्त ज़रूरत है। देश बदल चुका है और आज इस परिप्रेक्ष्य में हमको भी अपने सोच विचारधारा के साथ मिलकर देश की जनता के समक्ष जाना होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद बीजेपी इसकी वजह तलाश रही है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी को बुलाया। जेपी नड्डा के साथ इस बैठक में बीजेपी के संगठन मंत्री बीएल संतोष भी रहे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 8 सीटें ही मिली थी। इसके बाद पार्टी ये जानना चाह रही है कि रणनीतिक रूप से उनसे कहां गलती हुई। हालांकि 2015 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले बीजेपी का वोट प्रतिशत इस बार काफी बढ़ा है।
दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार के बाद बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने को लेकर कांग्रेस हमलावर हो गई है। आज देश भर में कांग्रेस ने कई जगह प्रदर्शन किया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी स्मृति ईरानी के बहाने बीजेपी पर तंज कसा। राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी की एक पुरानी फोटो तस्वीर ट्वीट की, जिसमें स्मृति ईरानी और बीजेपी कार्यकर्ता गैस सिलेंडर के साथ जोरदार विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे थे। ये स्मृति ईरानी की उस समय की तस्वीर है जब केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार थी। ह्यूस्टन में हाउडी मोदी की तर्ज पर इस महीने के आखिर में अहमदाबाद के सरदार पटेल मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम में केम छो ट्रंप कार्यक्रम होना है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जोड़ी शामिल होगी। कार्यक्रम में मेजबानी करने जा रहे मोटेरा स्टेडियम को कड़े सुरक्षा घेरों में ले लिया गया है। एनएसजी एसपीजी की टीमें दोनों नेताओं के सुरक्षा कवच का हिस्सा होंगी। इस हफ्ते इन एजेंसियों की टीमें भी अहमदाबाद पहुंच जाएंगी। कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था के लिए राज्य के बाहर से भी सुरक्षा बल और अधिकारी आएंगे। इनके लिए शहर के अलग अलग हिस्सों में होटलों की बुकिंग की जा रही है। ये जिम्मेदारी संबंधित थानों को सौंपी जा रही है। जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद एक बड़ी सियासी हलचल होने जा रही है। चुनाव आयोग ने प्रदेश में खाली पड़े पंच सरपंच के पदों पर उपचुनाव कराने की अधिसूचना जारी की है। ये उपचुनाव 8 चरणों में करवाए जाएंगे। पहले चरण का मतदान 5 मार्च को होगा, जबकि अंतिम चरण का मतदान 20 मार्च को होगा। जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी शैलेंद्र कुमार ने बताया कि आज से उन सभी जगहों पर आचार संहिता लागू हो जाएगी जहां चुनाव हो रहे हैं। 2018 में जम्मू कश्मीर में हुए पंचायत चुनावों का पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहिष्कार किया था। इस इलेक्शन में हरेक ब्लॉक में हर जिले में इलेक्शन होगा। अलबत्ता जो इलाके अभी भी स्नोबाउंड है, जैसे मड़वा वाड़वन है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट का, गुरेज है बांडीपुर डिस्ट्रिक्ट का, तो ये सारे ब्लॉक को हम लोग बाद में करेंगे। यूपी विधानसभा के बजट सत्र की हंगामेदार शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने एसपी और बीएसपी के विधायकों ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के दौरान जमकर हंगामा किया। विधायकों ने नागरिकता कानून एनआरसी के खिलाफ और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विधानसभा के अंदर पोस्टर लहराए। हंगामे के बीच राज्यपाल आनंदीबेन ने अभिभाषण पढ़ा, जिस समय राज्यपाल दोनों सदनों में संयुक्त बैठक को संबोधित कर रही थी। उसी दौरान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता भी प्रदर्शन करने लगे। भारत में कोरोना वायरस के खतरे को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में आज ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई। बैठक में केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर, केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। बैठक में कोरोना वायरस से निपटने के लिए उठाए गए कदमों पर चर्चा हुई। भारत में कोरोना वायरस के कई संदिग्ध मिल चुके हैं। के सिम्टम्स के आधार पर या हमारे जो कॉल सेंटर्स वगैरह को फोन करते हैं, उसमें जिसमें कोई रिमोटली भी एक संभावना होती है कि भाई इसको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, ही माइट इन से 2 वीक्स डेवलप सिम्टम्स एंड ऑल, तो उनको हम लोग उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके उनको सारे देश के अंदर हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं, और हम लोग एक एक केस का यहाँ पे भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एंड वी हैव ए वेरी यू कैन से स्ट्रॉन्ग करेक्शन, जो हमारा इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस मैकेनिज्म है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल तक हमारे सर्वेलेंस ऑफिसर्स हैं और स्टेट गवर्नमेंट्स हैं। तो ये थी राजनीति की 10 बड़ी खबरें, इसी अंदाज में बाजार और बिजनेस की 10 बड़ी खबरें बिजनेस टॉप 10 में। 2 दिन की शानदार तेजी के बाद आज बाजार पर ब्रेक लग गया। सेंसेक्स और निफ्टी करीब 0.5% की कमजोरी के साथ बंद हुए। निफ्टी 26 अंक गिरकर 12,175 पर बंद हुआ, वहीं सेंसेक्स 106 अंक गिरकर 41,460 पर बंद होने में कामयाब रहा। आज प्राइवेट बैंक, मेटल, ऑटो, रियल्टी शेयर दबाव में रहे। आईटी शेयरों से बाजार को सपोर्ट मिला। यस बैंक में करीब 6.5% और डॉक्टर रेड्डी के शेयर करीब 4% की तेजी के साथ टॉप गेनर रहे। वहीं इंडसइंड बैंक के शेयर 3.5% से ज्यादा और टाटा स्टील के शेयर करीब 2.25% की बढ़त के साथ सबसे नुकसान में रहे। कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग मामले के बाद मार्केट रेगुलेटर सेबी ने ब्रोकर्स पर सख्ती बढ़ा दी है। इसके लिए सेबी ने एक सिस्टम तैयार किया है जो शेयरों की ऑनलाइन ट्रैकिंग कर पाएगी। इस सिस्टम के जरिए सेबी शेयरों की ट्रैकिंग करेगा, और जैसे ही कोई ब्रोकर क्लाइंट के शेयर को कहीं और डाइवर्ट करेगा, इसकी जानकारी सेबी तक पहुंच जाएगी। इसके बाद सेबी स्टॉक एक्सचेंज के साथ डेटा शेयर करेगी। सेबी ने अब तक ऐसे 3 मामलों में अलर्ट भेजा है। सुपरमार्केट चेन डीमार्ट चलाने वाली कंपनी एवेन्यू सुपरमार्केट का ओएफएस कल खुल रहा है।
कंपनी ने ओएफएस का फ्लोर प्राइस 2049 रुपए प्रति शेयर तय किया है। ओएफएस के जरिए कंपनी में प्रमोटर्स अपनी 2.27% हिस्सा बेच सकते हैं। कल ओएफएस में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हिस्सा ले पाएंगे। सोमवार को रिटेल निवेशकों के लिए खुलेगा। आज डीमार्ट का शेयर 2500 रुपए के ऊपर बंद हुआ। हिस्सा बिक्री के बाद कंपनी सेबी के नियमों को पूरा कर पाएगी, जिसके तहत किसी एक कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 75% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नेस्ले इंडिया ने आज दिसंबर तिमाही के अच्छे नतीजे पेश किए। दिसंबर तिमाही में कंपनी का मुनाफा 38% बढ़कर 473 करोड़ रुपए रहा। वहीं आय 2897 करोड़ रुपए से बढ़कर 3149 करोड़ रुपए हो गई। दिसंबर तिमाही में नेस्ले इंडिया की घरेलू बिक्री 10% बढ़ी है। वहीं एबिटा 678 करोड़ रुपए रहा। वहीं मार्जिन 2.5% के उछाल के साथ 21.5% हो गया। नतीजों के बाद नेस्ले इंडिया ने अपने शेयर धारकों के लिए 61 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड देने का ऐलान किया। कंपनी ने सुरेश नारायण को दोबारा नेस्ले इंडिया का एमडी नियुक्त कर दिया है। भारत में कई गंभीर बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 34 दवाइयां क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई हैं। CDSCO के क्वालिटी टेस्ट में फेल होने वाली इन दवाइयों में सन फार्मा, जायडस हेल्थ, क्वालिटी फार्मास्यूटिकल्स सहित कई बड़ी कंपनियों की दवाइयां शामिल हैं। CDSCO ने देश भर से 1177 दवाइयों के सैंपल टेस्ट किए थे। फेल हुई दवाएं ब्लड प्रेशर, गैस्ट्रो, आर्थराइटिस, इन्फेक्शन, लीवर की बीमारियों से जुड़ी हुई हैं। CDSCO ने इन दवाओं के सैंपल की जानकारी जनवरी में इकट्ठा की थी। टेस्ट में फेल दवाओं के पूरे बैच को वापस लेने का आदेश दे दिया गया है। यमुना प्राधिकरण ने जेपी इंटरनेशनल पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उसकी गौतम बुद्ध नगर में 1000 हेक्टेयर जमीन का आवंटन रद्द कर दिया है। यमुना प्राधिकरण ने सेक्टर 25 में आवंटित की गई जमीन को रद्द किया है। अथॉरिटी का जेपी इंटरनेशनल पर 1044 करोड़ रुपए बकाया था। आवंटन रद्द होने के साथ ही फार्मूला 1 समेत यहां स्पोर्ट्स सिटी में बना अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट ग्राउंड भी जल्द ही नीलाम किया जाएगा। कार्रवाई के बाद करीब 20,000 करोड़ रुपए कीमत की यह संपत्ति अब ईडा के नाम हो जाएगी। जेपी पर बकाए 1044 करोड़ रुपए में से 225 करोड़ रुपए की किश्त डिफॉल्ट हो चुकी है। जेपी ने 100 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी भी जमा नहीं की है। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार ऑर्गेनिक खेती पर फोकस कर रही है। फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि सरकार ऑर्गेनिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए मेलों का आयोजन कर रही है। उन्होंने बताया कि होटल्स की ऑर्गेनिक फूड की ओर रुचि बढ़ रही है। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस लेने की सोच रहे हैं तो जल्दी ले लीजिए, क्योंकि अप्रैल से टर्म इंश्योरेंस प्लान महंगा हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक अप्रैल से टर्म प्लान करीब 20% महंगा हो जाएगा, यानी नई पॉलिसी के लिए आपको ज़्यादा प्रीमियम चुकाना पड़ेगा। पिछले एक साल में डेथ क्लेम पर भारी बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते री इंश्योरेंस कंपनियों ने अपना प्रीमियम बढ़ा दिया है। स्टाइल और रफ्तार के दीवानों के लिए JLR ने आज भारत में पॉपुलर SUV लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट का फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च किया। कंपनी ने लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट बेस वेरिएंट स्पोर्ट एस की एक्स शोरूम कीमत 57,06,000 रखी है, जबकि इसके टॉप वेरिएंट आर डायनेमिक SE की एक्स शोरूम कीमत 60,079,000 रुपये रखी गई है। अब देश दुनिया की बाकी 20 खबरों पर एक नजर। निर्भया के माता पिता और दिल्ली सरकार की ओर से दायर अर्जी पर पटियाला हाउस कोर्ट सुनवाई करेगी। याचिका में निर्भया के चारों दोषियों के लिए नए सिरे से डेथ वारंट जारी करने की मांग की गई है। चारों दोषियों को अदालत 2 बार डेथ वारंट जारी कर चुकी है, लेकिन फांसी के एंड पहले क्यूरेटिव पिटिशन और दया याचिका दायर कर दोषी अब तक डेथ वारंट को आगे बढ़ाने में कामयाब रहे। लखनऊ के CGM कोर्ट क्षेत्र में आज एक वकील पर देसी बम से हमला किया गया। हमले में संजीव लोधी और दूसरे वकील घायल हो गए। हमले की खबर मिलते ही पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर समेत तमाम आला अधिकारी वहां पहुंच गए। संजीव लोधी लखनऊ बार एसोसिएशन के संयुक्त मंत्री हैं। 20 साल बाद मैच फिक्सिंग कांड का मुख्य आरोपी संजीव चावला आज दिल्ली लाया गया। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम संजीव चावला का लंदन से प्रत्यर्पण कर दिल्ली लाई। पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी के बाद संजीव चावला को 12 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जमीन हकीकत का जायजा लेने के लिए 25 देशों के विदेशी राजनयिकों का दल आज जम्मू पहुंचा। विदेशी राजनयिकों ने जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू और DGP दिलबाग सिंह से मुलाकात की।
गार्गी कॉलेज में 6 फरवरी को छात्राओं के साथ हुई बदसलूकी मामले में दिल्ली पुलिस ने 10 आरोपी गिरफ्तार किए हैं, साथ ही कुछ और की पहचान हुई है। उधर एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करके मामले की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग की है। भोपाल स्टेशन पर आज सुबह बड़ा हादसा हो गया। सुबह 9 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर फुट ओवर ब्रिज का हिस्सा गिरने से 9 यात्री घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एमपी सरकार ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। हिंदुस्तानियों के लिए पानी के नीचे यात्रा करने का सपना आज पूरा हो गया। कोलकाता में पहली बार अंडर वाटर मेट्रो चली। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इसका उद्घाटन किया। 14 फरवरी यानी कल से इसे आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। दुनिया के 7 अजूबों में शुमार। ताजमहल को देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। अब इस अनूठे अजूबे को देखने के लिए 4 चांद लगने वाले हैं। पर्यटक अब 150 फीट की ऊंचाई से ताजमहल का दीदार कर सकेंगे। इनके लिए फ्लाई डाइनिंग बनाई गई है जिसमें बैठकर पर्यटक 150 फीट की ऊंचाई तक जाएंगे और वहां से ताजमहल को निहार पाएंगे। सोशल नेटवर्किंग साइट व्हाट्सएप के यूजर की संख्या 200 करोड़ के पार पहुंच गई है। 200 करोड़ तक पहुंचने में व्हाट्सएप को 11 साल लगे। पिछले 2 साल में 50 करोड़ नए यूजर्स व्हाट्सएप के साथ जुड़े हैं। 2 साल पहले तक इसे इस्तेमाल करने वालों की संख्या 150 करोड़ थी। भारत में व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने वालों की संख्या 40 करोड़ है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।